हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीजे सिस्टम चैनल यूट्यूब पे और मैं हूं आपका दोस्त अजय। दोस्तों, ये म्यूजिक टोन कंपनी का पावर एम्पलीफायर है 500 वाट का और इसका मॉडल नंबर है TZF 5000DP। इस पावर एम्पलीफायर में दो चैनल होते हैं, 250 वाट और 250 वाट के, यानी 250 वाट एक चैनल के लिए और 250 वाट दूसरे चैनल। तो इस तरह दोनों चैनल जोन ए और जोन बी में बटे हैं दोनों चैनल, और दोनों चैनल के लिए ट्रेबल बेस अलग अलग हैं, साथ में साउंड बॉक्स और हॉर्न सेलेक्टर स्विच भी अलग अलग है और ओवरलोड स्विच भी अलग अलग है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद करा दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यूएसबी कार्ड जिस पे आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, साथ में टीएफ कार्ड यानी एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं और ऑक्स की केबल भी लगा सकते हैं। और ये ऑन ऑफ स्विच है दोनों चैनल के लिए, जोन ए जोन बी के लिए, और ऊपर है मोनो और माइक ऑक्स सिलेक्टर स्विच। 6 माइक इस पे डायरेक्ट चल जाते हैं, 5 और 6 नंबर माइक पे आप ऑक्स भी लगा सकते हैं। सिलेक्टर स्विच लगा है नीचे और इसमें ट्रांजिस्टर जो लगा है वो 5200 इसके अंदर में लगा होता है। 4 ट्रांजिस्टर जोन ए के लिए और 4 ट्रांजिस्टर जोन बी के लिए लगा होता है। ये इसके बैक साइड का हिस्सा है जहाँ पर सारे इनपुट और आउटपुट हैं। नीचे स्टीरियो म्यूजिक के लिए आरसी सॉकेट लगी है जिससे आप डीवीडी सीडी प्लेयर वगैरह अटैच कर सकते हैं। ये इसके जोन ए के स्ट्रिप हैं ब्लैक और रेड, और ये जोन बी के स्ट्रिप हैं ब्लैक और रेड। ये 24 वोल्ट बैटरी से भी चल जाता है, 12 12 वोल्ट की दो बैटरी जोड़ करके 24 वोल्ट बना के इसको चलाया जा सकता है अगर बैटरी से चलाना है तो। तो इसमें मैंने साउंड बॉक्स की तार जोड़ा है दोनों जोन पे, कामन और 8 ओम पे जोन ए पे, और जोन बी पे भी कामन और 8 ओम पे स्पीकर लगाया है। तो आइए इसके अंदर के पार्ट्स भी देख लेते हैं। ये इसके ड्राइवर बोर्ड है दोनों चैनल के लिए अलग अलग, और बाईं तरफ दो आउटपुट ट्रांसफार्मर और दाहिनी तरफ मेन पावर ट्रांसफार्मर। दोस्तों, इसके अंदर जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा है KBP 3510 वो दोनों चैनल के लिए अलग अलग लगा है, जोन ए के लिए एक ब्रिज रेक्टिफायर और जोन बी के लिए भी ब्रिज रेक्टिफायर KBP 3510 लगा है। अगर इसके अंदर लगे पार्ट्स की बात करें तो लगभग ठीक ठाक ही लगे हैं सारे पार्ट्स। इसके जो कनेक्शन है, कनेक्शन वायर है, काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी के लगे हैं। ट्रांसफार्मर की कोर वगैरह फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। और अब आपको दिखाता हूँ इसका ड्राइवर बोर्ड। ये ड्राइवर बोर्ड है, ये भी काफ़ी साफ सुथरा ठीक ठाक है। और आपको अब दिखाते हैं इसका फिल्टर कंडेंसर जो दोनों चैनल के लिए अलग अलग लगे हैं। ये आप देख रहे हैं इनके ऊपर प्लेट भी लगाया गया है बकायदा, और ये ट्रांजिस्टर है 5200, इनकी संख्या 4 है एक चैनल के लिए। और जो रेजिस्टेंस लगी है इस ट्रांजिस्टर के मीटर पे वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दिखाई दे रही है। और अब दिखाता हूँ आपको इसका सेलेक्टर स्विच जो यूएसबी को ऑन ऑफ करने के लिए लगा है, इसको भी एक प्लेट पे लगाया गया है। और जो इसका प्रोटेक्टर ओवरलोड स्विच है, ये 12 एम्पियर का आप देख रहे हैं, ये ओवरलोड स्विच है 12 एम्पियर का, ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का लगा है। कुल मिलाकर ये ठीक ठाक एम्पलीफायर कहा जा सकता है हल्के बजट में। आहूजा का तो करीब 400 वाट का इस टाइम 20,500 के आसपास है, और जो डीपी होगा वो तो करीब 22 साढ़े 22 हज़ार का होगा। उसके मुकाबले तो ये क्वालिटी में नहीं होगा, लेकिन बजट में उससे काफ़ी फ़र्क है। और ये आप देख रहे हैं दूसरे साइड का 5200 ट्रांजिस्टर जो लगे हैं 4, और इसके स्टिकर वगैरह जो ट्रांसफार्मर पे भी लगे हैं
इसकी फिनिशिंग वगैरह काफ़ी ठीक ठाक है। ये इसके इनपुट के J2 सॉकेट हैं जिससे इनपुट दिया जाता है ऑक्स और लाइन इन लाइन आउट का। तो ये पावर ट्रांसफार्मर है, आप देख रहे हैं इसकी कोर वगैरह साफ़ सुथरी है। तो दोस्तों ये था म्यूजिक टोन का पावर एम्पलीफायर। अब आपको मैं इसको चेक कराता हूँ। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब हेलो करें। हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो टेस्टिंग हेलो 1 2 3 4 हेलो 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 चेक हेलो टेस्टिंग हेलो 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 हाँ बंद हो गया। हेलो 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 तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।